हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में फिर से आप लोग का नए सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, कल मैंने इसका पहला पार्ट डाला था छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान। ये आपके सारे वन लाइनर क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एसआई के लिए कल एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं, तो उसी के बेस पे क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो सारे वन लाइनर क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। हम 62 क्वेश्चन उसमें किए थे पहले पार्ट में, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट है हमारा, नागवंश के प्रथम राजा कौन कहे जाते थे। तो वो आपका जो अहिराज थे, जो कि नागवंश के प्रथम, इसको राजा कहे जाते, प्रथम शासक थे नागवंश के अहिराज। याद रख, क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह 9 अगस्त 2011 कितने जिलों की घोषणा की गई थी। 11 नए जिलों की घोषणा उस समय की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च न्यायालय किस जिले में स्थित है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो IMP करके रख लीजिएगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो उच्च न्यायालय आपका कौन से ज़िले में है, तो आपके रायपुर ज़िले में स्थित है। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य में आपका उच्च न्यायालय जो हाईकोर्ट है, अगर आपके बिलासपुर में स्थित है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो छत्तीसगढ़ आपके जो उच्च न्यायालय है आपके बिलासपुर में स्थित है, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो सन 2000 में इसकी स्थापना किया गया था। याद रखिएगा। और यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ के जो जितने भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे जलप्रपात होंगे उसके यहाँ पे एक बार देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ के जो स्थित प्रमुख जलप्रपात है इसमें देखेंगे सूची को। तो चित्रकूट जो जलप्रपात है, ये आपका चित्रकूट जलप्रपात बस्तर ज़िले के सबसे बड़ा सबसे सुंदर जलप्रपात इसको माना जाता है। याद रखिए, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जो जलप्रपात और सबसे सुंदर जलप्रपात जो आपका है चित्रकूट जलप्रपात, याद रखिए, आपके बस्तर ज़िले में स्थित है। यह इंद्रावती नदी से बनता है, याद रखिए, इसके बहता है। इस जलप्रपात जो इस जलप्रपात की जो ऊँचाई है, इसकी ऊँचाई लगभग 90 फुट आँकी गई है, जो कि 90 फुट इसकी जो कि पता चलता है लगभग नापी गई है। तो आपका बस्तर ज़िले में चित्रकूट, याद रखिएगा, सबसे बस्तर ज़िले का सबसे बड़ा आपका वाटरफॉल कहा जाता है। इसके बाद आपका तीरथगढ़ जलप्रपात, उसके बाद आपका सातधारा जलप्रपात, इसके बाद आपका महादेव घूमर जलप्रपात, इसके बाद कांगेर धारा जलप्रपात, चर्रे मरे जलप्रपात है, क्वेश्चन PSC में क्वेश्चन पूछा गया, चर्रे मरे जलप्रपात, इसके बाद मलाज कुंडम जलप्रपात, और आपका लास्ट में आ जाएगा गुप्तेश्वर जलप्रपात। और एक क्वेश्चन यहाँ पे और पूछा है आपका, खुरसेल झरना, ये आपके गुप्तेश्वर जलप्रपात के बाद आपका खुरसेल झरना आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे बड़ी भूमिगत व यांत्रिकृत कोयला खदान कौन सी है और कहाँ पे स्थित है। क्वेश्चन PSC में क्वेश्चन पूछा गया है, तो मुकुंद घाट, याद रखिए, कोरबा में स्थित है। तो मुकुंद जो घाट है आपके कोरबा में स्थित है, और छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे बड़ी भूमिगत और यांत्रिकृत कोयला खदान है आपका मुकुंद घाट, याद रखिए, कौन से ज़िले में स्थित है, तो आपके कोरबा ज़िले में स्थित है। क्वेश्चन PSC प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन को पूछा गया था। छत्तीसगढ़ के प्रयाग महातीर्थ और संस्कार धानी किस नगर को कहा जाता है, तो आपको राजिम को कहा जाता है। यहाँ पे जो कि माघपुरी में यहाँ पे मेला का आयोजन लगता है, तो याद रखिए, छत्तीसगढ़ के प्रयाग आपके राजिम को कहा जाता है। तीन नदियों का संगम है यहाँ पे, और इसको संस्कार धानी नगर कहा जाता है आपके राजिम को। राजिम कहाँ है, तो आपके गरियाबंद ज़िले में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ अंचल की प्रथम इस्पात फैक्ट्री के संस्थापक किसे माना जाता है। तो कांजी भाई जो मुरारजी राठौर है, इनको छत्तीसगढ़ अंचल की प्रथम इस्पात फैक्ट्री के संस्थापक कहा जाता है। इन्होंने संस्थापक इनको कहा जाता है, इन्हीं के देन है यहाँ पे प्रथम इस्पात जो फैक्ट्री इनके द्वारा लगाया गया था। छत्तीसगढ़ में लौह खनन का जो पहला संयंत्र और कब स्थापित किया गया था, तो किरंदुल आपके दुर्ग जिले में है, तो 1968 में स्थापित किया गया था। याद रखिए, क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट है। तो छत्तीसगढ़ में जो लौह खनन का पहला जो संयंत्र आपको कहाँ स्थापित किया गया था, तो आपके किरंदुल दुर्ग में सन 1968 में इसको स्थापित किया गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के दुर्ग तथा बस्तर से जो प्राप्त लौ है उसे किस प्रकार का है। तो हेमेटाइट प्रकार का, याद रखिए, चार प्रकार के होते हैं आपके जो लौ है इसका, चार प्रकार के होते हैं। जब से छत्तीसगढ़ में जो पाया जाता है, छत्तीसगढ़ के दुर्ग बस्तर में जो लौ है इसके जो प्राप्त होती है आपके हेमेटाइट प्रकार का, यहाँ से प्राप्ति होती है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कच्चा लोहा कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिए, बस्तर में यहाँ पे जो कि छत्तीसगढ़ में बस्तर में यहाँ पे सर्वाधिक कच्चा लोहा यहाँ से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देख,
एक नज़र यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य के जिलों के एक बार यहाँ पे नज़र मार लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे नया भी जिला बनाया गया चार्ट हो तो उसको भी यहाँ पे सम्मिलित कर दिए हूँ। तो छत्तीसगढ़ राज्य में अभी कुल वर्तमान जिला पूछे जाए तो यहाँ पे 33 जिले हो गए हैं, और यहाँ पे जिलों के नाम यहाँ पे इस बार हम देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हैं पूछे जाएगा, तो आपको 33 जिला आपको आंसर में लेना है। आपका कवर्धा जिला, कांकेर जिला आपके उत्तर बस्तर में, कोरबा जिला, कोरिया जिला, जसपुर जिला, जांजगीर चांपा जिला, दंतेवाड़ा जिला जो कि दक्षिण बस्तर में आता है, दुर्ग जिला, धमतरी जिला, बिलासपुर जिला, बीजापुर, बेमेतरा, बालोद जिला, बलौदाबाजार जिला, बलरामपुर जिला, बस्तर जिला है, महासमुंद, राजनांदगांव, रायगढ़, रायपुर, सरगुजा, नारायणपुर, गरियाबंद, सूरजपुर जिला, कोंडागांव जिला, मोहला मानपुर जिला, ये आपका नया जिला है, याद रखिएगा, क्वेश्चन उठा सकता है नया जिला। मोहला मानपुर जो जिला है आपका नया जिला है, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला ये आपका दूसरा नया जिला है, शक्ति जिला ये भी नया जिला है, मनेंद्रगढ़ जिला ये आपका नया जिला। तो टोटल जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा इसको चार जिला का जो यहाँ पे घोषणा की गई थी, तो यहाँ पे टोटल चार जिला है, तो बढ़कर 33 जिला हो जाते हैं। तो यहाँ से डेफिनेटली एक नया क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद मनेंद्रगढ़ जिला, मुंगेली जिला, सुकमा जिला, गौरला, पेंड्रा मरवाही जिला, तो आपके टोटल यहाँ पे 33 जिला हो जाता है। इसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग 36 किलो के नाम यहाँ पे देखें तो रतनपुर के 18, यहाँ पे 18 हम पढ़े भी गए हैं छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान में, तो रतनपुर, उपरोड़ा, मारो, उजय आपका विजयपुर, खरौद, कोटगढ़, नवागढ़, सोढ़ी, ओखर आपका, पठरा भट्टा, सिमरिया, मदनपुर, कोसगई, करकट्टी, लाफा, केंदा, मातीन और पिंडरा, टोटल यहाँ पे 18 हैं, याद रखिए। इसके बाद देखते हैं रायपुर के 18, तो रायपुर में रायपुर, पाटन, सिंगा, सिंगारपुर, लवन, अमीर, दुर्ग, सारधा, सिरसा, मोहदी, खल्लारी, सिरपुर, फिंगेश्वर आपका, सुवरमाल, राजिम, सिंगारगढ़, टेंगनागढ़, और आपका आपके ये आपके अकलवाड़, तो ये आपके रायपुर के 18 है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। कुछ तो यहाँ पे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्जाम के लिए है। रामायण सार संग्रह पुस्तक के रचनाकार कौन है, तो याद रखिए गंगाधर जो मिश्र है इनके जो पुस्तक है इनके रचनाकार हैं आपके रामायण सार संग्रह के, तो याद रखिए गंगाधर मिश्र इनके रचनाकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक कौन है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपके जो चूड़ामणी जो साहब है इसके छत्तीसगढ़ कबीर पंथ के संस्थापक है, तो चूड़ामणी इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे बस्तर बैंड के संयोजक कौन है, तो आपके जो अनूप जी हैं जो कि बस्तर बैंड के संयोजक इनको कहे जाते हैं, तो इसका अनूप सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं टाइगर कीट के रूप में विख्यात माड़िया जाति की जो चेंद्रू किस जिले से संबंधित है, तो ये आपके नारायणपुर जिले से संबंधित है, याद रखिए टाइगर कीट रूप में इनको जाने जाते हैं विख्यात माड़िया जाति के आपके चेंद्रू जी, आपके कौन से जिले के रहने वाले हैं, तो आपके नारायणपुर जिले के रहने वाले हैं, तो याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शहीद वीर नारायण सिंह जी कौन से जनजाति के थे, तो आपके बिंजवार जनजाति के, याद रखिए छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद इनको कहे जाते हैं, तो शहीद वीर नारायण सिंह आपके कौन से जनजाति के हैं, तो बिंजवार जनजाति के रहने वाले हैं, तो इसका बिंजवार सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं पुनाराम निषाद किस शैली में पंडवानी गायन करते हैं, तो वेदमती, कपालिक, ए और बी दोनों है, या आपके डी है इनमें से कोई नहीं, तो सही ऑप्शन हो जाएगा वेदमती। तो पुनाराम जो निषाद हैं किस शैली में पंडवानी गायन करते हैं, तो आपके वेदमती शैली में, आपके जो पुनाराम निषाद जी आपके वेदमती शैली में पंडवायन का जो पंडवानी गायन करते हैं, तो इसका वेदमती सही आंसर हो जाएगा, यह क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं राजमोहिनी देवी मुख्यतः किस कार्य क्षेत्र से संबंधित थी, तो याद रखिए राजमोहिनी देवी क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो राजमोहिनी देवी आपके मुख्यतः आपके समाज सेवक थे और समाज सेवा कार्य क्षेत्र से संबंधित थे, तो राजमोहिनी एक समाज सेवा के कार्यकर्ता हैं, इनके ऊपर यहाँ पे अवार्ड भी दिया जाता है समाज सेवा के क्षेत्र में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं घनश्याम सिंह गुप्त का संबंध किस एक से था, तो रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, आर्य समाज या आपके थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रामकृष्ण मिशन। तो घनश्याम सिंह जो गुप्त है आपकी इनके संस्थापक है, रामकृष्ण मिशन इनके द्वारा स्थापना किया गया था, याद रखिए घनश्याम सिंह गुप्त का, तो याद रखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना इनके द्वारा किया गया था, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ कांग्रेस शासन की अवधि में विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता कौन थे? तो महेंद्र कर्मा जी, याद रखिएगा, तो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस शासन की अवधि में विधानसभा के जो प्रतिपक्ष नेता आपके महेंद्र कर्मा जी आपके नेता प्रतिपक्ष थे, तो इसका महेंद्र कर्मा सही आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, रामकृष्ण मिशन के जो विवेकानंद आश्रम नारायणपुर के संस्थापक कौन हैं? तो स्वामी आत्मानंद, याद रखिएगा, तो रामकृष्ण मिशन जो है विवेकानंद जो आश्रम नारायणपुर के संस्थापक स्वामी आत्मानंद को इनके संस्थापक हैं, याद रखिए, इनके द्वारा स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।